यार, सोशल मीडिया पर तो क्या कुछ नहीं दिखता। हर दिन कुछ नया और चौंकाने वाला सामने आता है। अभी एक वीडियो देखा होगा ना, जिसमें व्हाट्सएप की चैट लाल हो गई वगैरह। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में डर और भ्रम फैला रहा है। वो सब तो फालतू है, बकवास है। ये सब अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये सब झूठी खबरें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही हैं। अब सुनो, असली बात क्या है। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। व्हाट्सएप में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया जो सरकार से जुड़ा हो या कोर्ट केस की धमकी दे। ये सब अफवाहें हैं जो लोगों को डराने के लिए फैलाई जा रही हैं। व्हाट्सएप का रीड रिसीट्स फीचर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैसेज पढ़ लिया तो दो नीले टिक, नहीं पढ़ा तो एक ग्रे टिक, और डिलीवर हो गया तो दो ग्रे टिक। ये फीचर हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। ये फीचर तो ऑप्शनल है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैसेज भेजने वाले को पता चले कि तुमने पढ़ा या नहीं, तो सेटिंग्स में जाकर ऑन कर लो। ये फीचर तुम्हारी सुविधा के लिए है। इसे इस्तेमाल करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। सेटिंग्स में जाकर इसे ऑन या ऑन ऑफ करना बहुत आसान है। बस कुछ टैप्स और हो गया। अब उस फेक वीडियो की बात करते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से गंदी और भ्रामक है। इसका मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। वो वीडियो तो पूरी तरह गंदी और भ्रामक है और 2 लाख से ज्यादा लोग देख भी चुके हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। 2 लाख से ज्यादा लोग देख भी चुके हैं। ये वीडियो लोगों में डर और भ्रम फैला रहा है। उस वीडियो के बनाने वाले के इंस्टा पर 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो तो खुद को एजुकेशन वीडियो बनाने वाला बताता है, लेकिन इस बार उसने गलत जानकारी फैलाई है। पर ये वीडियो तो बड़ा खतरनाक है। ये लोगों को गलत दिशा में ले जा सकता है और उन्हें डर और चिंता में डाल सकता है। गलत जानकारी से बचना है दोस्तों, और सच्चाई जानना है। हमें हमेशा सही और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। इस वीडियो को खूब शेयर करो ताकि सबको सही जानकारी मिले और ऐसी अफवाहों से बचें। सही जानकारी फैलाना हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसी अफवाहों से बचें। थैंक यू। सही जानकारी फैलाएं और सुरक्षित रहें। थैंक यू।